नौगछिया अनुमंडल के तीन टांगा गांव में बीते वर्ष गंगा ने ऐसा कहर बरपाया था कि दर्जनों घर कटकर गंगा में समा गए थे, जिसके बाद सीएम नीतीश ने हवाई सर्वेक्षण किया था। इसके बाद अब इस गांव को बचाने के लिए कवायद शुरू की गई है। विभाग की ओर से 15 करोड़ रुपए कटाव रोधी कार्य के लिए मुहैया कराए गए हैं। कटाव से बचाव के लिए इस महीने के अंत तक कटाव रोधी कार्य शुरू हो जाएगा, जिसमें 600 मीटर में पत्थर से कार्य किया जाएगा। यहां 2700 मीटर में काम होने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन फिलहाल 600 मीटर के लिए ही कार्य होगा, जिससे ग्रामीण असंतुष्ट दिख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार यदि 2700 मीटर के काम में यदि 1500 मीटर में भी यदि काम करवा देती है तो गांव पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। वर्ष 2018 से तीन टांगा में गांव की धारा मुड़ी और भीषण कटाव शुरू हो गया। 2022 तक तीन बार कटाव हुआ, जिसमें दर्जनों घर गंगा की तेज धारा में विलीन हो गए। हालांकि इस बार लगातार बिहार तक के द्वारा खबरें दिखाए जाने के बाद कटाव पीड़ितों को मुआवजा भी मिला। कटाव रोधी कार्य शुरू होगा, खुशखबरी है। लेकिन आप लोग एक बात बता रहे थे कि 2700 मीटर का प्रस्ताव था जो कम कर दिया गया 600 मीटर, क्या कुछ और सरकार से मांग है कि उसको कम से कम 1500-2000 के बीच में किया जाए, जिससे हम लोगों को गांव बच सके और यहाँ का जो प्रतिनिधि है, गाँव ग्रामवासी है, सब मिलजुल के काम को बेहतर तरह से करे, ताकि हम लोगों का गांव आगे नहीं कटे। थोड़ा लापरवाही हो जाता है प्रशासन की ओर से, जो कि हम लोगों का गांव कट रहा है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ का काम सुचारू रूप से कम से करे, उसको देखते हुए ध्यान में और आगे बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। कितने घर गिरे हैं यहाँ? तो लगभग 250-300 के बीच में कट गया है 5 साल में। हाँ, क्या नाम है? संतोष कुमार। मुंगेर में ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से की जा रही अनियमितताओं का खुलासा हुआ है, जिसमें योजना स्थल कहीं और है और कार्य कहीं और चल रहा है। आपको बता दें कि रहमतपुर पंचायत के लाला टोली रहमतपुर में 1,22,00,000 की लागत से सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जिसका कार्य स्थल कहीं और है, पर योजना रहमतपुर पंचायत के लाला टोली रहमतपुर में कराई जा रही है। ऐसे में जब न्यूज बायोस्कोप के अनियमितता पर सवाल उठाया तो विभाग के कनीय अभियंता ने कहा कि संवेदक अपनी मनमानी कर रहा है, यदि वो स्वीकृत कार्यस्थल पर सड़क निर्माण ना करके कहीं और सड़क निर्माण कर रहा है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान विभाग नहीं करेगा। दुर्गा स्थान लाला टोल। कितना पीसीसी, कितना कालीकरण होना है सर? 1 किलोमीटर पीसीसी, 500 मीटर जो है कालीकरण। कितना लागत से होना है? 1 करोड़ 22 लाख। लेकिन सर, इसका कब तक पूर्ण हो जाना है, क्या है इसमें? ये तो एग्रीमेंट के डेट देखना पड़ेगा हमको, है ना? एक साल का अंदर ही है, हमको लगता है कि सितंबर पूर्ण हो जाना। कौन सी वित्तीय की ये योजना है सर? ये वित्तीय वर्ष 22-23 का है। 22-23 का मजबूरी से मतलब नहीं, मेरा जो एस्टिमेट है, जो रोड सेंक्शन हम उसी पर काम कराएंगे। अब कहाँ ठेकेदार करेगा उसे हमको कहीं करते, पेमेंट तो हम नहीं करेंगे। हमको तो जो रोड बनाना है उसी अलाइनमेंट पर हम काम कराएंगे।